हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सैलेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने ये लेटस लिया है, चेरी टमाटोज लिए हैं, कैरेट लिए हैं, कुकुम्बर, ब्रोकली, और ये मैंने पनीर लिया है, और ये मैंने स्प्राउट्स लिए हैं साबुत मूंग की और काले चने की, जिनको मैंने रात को ही भिगो दिया था। तो चलिए आज हम सैलेड बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, इसको भी चॉप कर लिए, ब्रोकली भी कट कर लिए छोटे छोटे पीसेस में, कुकुम्बर को भी। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब पीसेस कट करें तो एक जैसे हों। ये देखिए गाजर भी मैंने लगभग एक जैसी ही काटी है, और ये जो टमाटर हैं इनको दो पीसेस में कट किया है, पनीर को भी मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, और ये मैंने दो नींबूओं का रस निकाला है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए मैंने कांच का बोल ले लिया है, इसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स डालूंगी। इस सैलेड के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल होता है, एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं इसमें, विटामिन्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, तो ये हर तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। अब इसमें मैं ये ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। और सफ़ेद नमक की जगह यहाँ पे मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला नमक फ़ायदेमंद होता है। वह खाने में टेस्टी भी बहुत लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सैलेड रेडी है।